आज के लेक्चर की तरफ चलें। अटेंटिव हो जाइए। लेक्चर आसान है लेकिन कंसेप्चुअल। आज हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कवर करना है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था कि एक तो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं तो प्राइस के साथ डिमांड की इलास्टिसिटी चेक करते हैं। इसके बाद अदर वेरिएंट्स भी हमने पढ़े। डिमांड वाली साइड खत्म हो गई। अब हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं सप्लाई, बल्कि आज एक ही लेक्चर होगा हमारा सप्लाई साइड को। जिस तरह डिमांड जो है उसकी इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या सप्लाई की इलास्टिसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जिस तरह दुनिया में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट है, उसी तरह प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का भी कंसेप्ट है। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्चुअली। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करना चाहें तो फिर क्या इसकी डेफिनेशन होगी? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफाइन किया था, उसी तरह हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को डिफाइन करेंगे। फर्क सिर्फ यह है कि यहां पे डिमांड की बजाय सप्लाई की क्वांटिटी आएगी। यहां तक क्लियर? इवन कैलकुलेशन भी एग्जैक्टली वैसे ही है। पॉइंट मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आर्क मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने, आपको याद होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कंसर्न पढ़ा था। जब हमने डेफिनेशन पढ़ ली, उसके बाद टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने पढ़ा था कि पांच टाइप्स होती हैं: परफेक्टली इन इलास्टिक, इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। ये फाइव टाइप्स हैं। एग्जैक्टली उसी तरह इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की भी पांच टाइप्स हैं। कौन कौन सी? परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। अगर हमसे आई क्या पूछे, भाई डिफाइन करो परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई को, तो हम कहेंगे अगर प्राइस परसेंटेज प्राइस चेंज होने से इफ देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है, तो फिर वो कौन सी वाली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी? परफेक्टली इन इलास्टिक। इफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मोर देन, तो सोचिए फिर कौन सी इलास्टिक। इफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन परसेंटेज चेंज, ठीक है, इफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज जीरो ड्यू टू चेंज इन प्राइस, बिल्कुल, और इफ स्मॉल परसेंटेज चेंज इन प्राइस causes much much greater change in supply, perfectly elastic होगी, ठीक है। अगर हम मैथमेटिकली इसको शो करना चाहें तो हम कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कौन सी है जिसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो, इन इलास्टिक सप्लाई कौन सी है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन वन, यूनिट इलास्टिक सप्लाई कौन सी है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू वन, इलास्टिक सप्लाई कौन सी है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन वन, और परफेक्टली इलास्टिक कौन सी है इन्फिनिटी, जिसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यानी उसी तरह जिस तरह हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफाइन किया, क्लासिफाई किया था, एग्जैक्टली वही क्लासिफिकेशन, वही फार्मूला यहां पे है। फार्मूला भी वही, क्लासिफिकेशन भी वही। डायग्राम्स की तरफ आते हैं। डायग्राम में डेफिनेटली कुछ ना कुछ फर्क तो होगा, ठीक है, मे बी कुछ डायग्राम सेम हो, मे बी कुछ फर्क हो। परफेक्टली इन इलास्टिक, अब देखिए इन इलास्टिक का कंसेप्ट आपको क्या बताया था, याद है आपको? परफेक्टली ना, एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो उसी तरह यहां पे भी अब हम ड्रॉ करने लगे परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, तो कर्व आएगा हमारा स्ट्रेट यहां पे, लेकिन लिखा होगा एस। इसका मतलब यह परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का कर्व और परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई का कर्व एक जैसा है, एक जैसा, ठीक है। अच्छा, अगर परफेक्टली इन इलास्टिक का कर्व जो है ये वर्टिकल लाइन है, स्ट्रेट लाइन,
तो जरा सोचिए परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का कर्व क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड बेस सप्लाई कर्व। यानी इसका मतलब ये हुआ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का कर्व भी एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का कर्व था। क्लियर हुआ? अच्छा, अब लेकिन जो इन इलास्टिक कर्व, यूनिट इलास्टिक कर्व और इलास्टिक कर्व है, इनमें डिफरेंस है, इनमें डिफरेंस है। क्योंकि अब देखिए जो हमारा डिमांड कर्व था वो तो डाउनवर्ड था, उसका स्लोप नेगेटिव था, सप्लाई कर्व का अपवर्ड होगा। ये डिफरेंट डायग्राम बनेगी डिमांड की निस्बत, और ये डायग्राम आसान है। इनइलास्टिक सप्लाई कर्व, इलास्टिक सप्लाई कर्व और यूनिट इलास्टिक सप्लाई कर्व की डायग्राम बनाना आसान है। ठीक है, जैसे अगर यूनिट इलास्टिक डिमांड की डायग्राम बनानी हो, आपने ध्यान इस चीज का रखना है, अगर इनइलास्टिक डायग्राम बना रहे हैं इनइलास्टिक, तो जो सप्लाई कर्व आएगा वो स्टार्ट होगा आपके एक्स एक्सिस से। इन इलास्टिक सप्लाई डायग्राम बना रहे हैं तो सप्लाई कर्व कहां से स्टार्ट करना है? यूनिट इलास्टिक बना रहे हैं तो स्टार्ट करना है ओरिजिन से। इलास्टिक सप्लाई कर्व बना रहे हैं तो स्टार्ट करना है, सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना, बाकी वही। अब देखिए यूनिट इलास्टिक कर्व बना रहा हूं मैं, ये देखिए सप्लाई कर्व। अब देखिए तकरीबन ये ओरिजिन से स्टार्ट किया मैंने और तकरीबन 45 का, ये कौन सा सप्लाई कर्व हुआ? अब एज यूजुअल आपको पता है हम दो पॉइंट्स लेके उसे शो करवा देते हैं कि डिस्टेंस इक्वल है, याद है आपको? डिमांड कर्व में भी ऐसे किया था, ये ले, ये इधर इधर। अब देखे चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी तकरीबन इक्वल है कि नहीं? तो ये हमारा कौन सा वाला हुआ? यूनिट इलास्टिक। अब देखिए अगर मैंने इन इलास्टिक सप्लाई कर्व बनाना है तो मुझे स्टार्ट कहां से करना है? एक्स एक्सिस से, और तकरीबन सीधी लाइन होगी, याद है ना आपको बताया था तकरीबन सीधी लाइन, ठीक है? हाँ थोड़ा सा, तो ये मैं देखिएगा पर इन इलास्टिक कर्व बनाने लगा, यहां से स्टार्ट किया मैंने और ये तकरीबन नहीं, ठीक नहीं, नहीं सही नहीं है क्या? 45 का तो नहीं बनाएगा, 45 से ऊपर ही है, 45 नहीं है। हाँ ये सप्लाई, ये इन इलास्टिक सप्लाई कर्व है, नहीं अगर आप कहते हैं तो मैं दोबारा कुछ नहीं, ठीक है दोबारा बना लेते, कोई मसला नहीं। ये मैं गिरने लगा हूं नहीं ये ठीक है, चलो ठीक। सप्लाई का देखें 45 का एंगल नहीं, 45 से ज्यादा बस यही चाहिए था, और ये एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है। अब उसी तरह दो पॉइंट साबित करने के लिए विजिबली भी पता चल जाए, एक पॉइंट ये एक ये, यहां पे ये चेंज और चेंज होके, अब आप देखें खुद डायग्राम आपको अपने मुंह से बता रही है क्या कि प्राइस में चेंज ज्यादा है क्वांटिटी में चेंज कम है, तो कौन सी वाला सप्लाई कर हुआ? इन इलास्टिक। अब कौन सा बनाना है हमने? इलास्टिक का असूल क्या है? वाई एक्सिस से और तकरीबन हॉरिजॉन्टल, ये तकरीबन वर्टिकल। इन इलास्टिक कर्व जब बनाना है आपने तकरीबन वर्टिकल, और इलास्टिक कर्व जब बनाना है तकरीबन हॉरिजॉन्टल। डिमांड में सप्लाई में दोनों में यही रोल है। इन इलास्टिक कर्व जब बनाना है तकरीबन वर्टिकल, और इलास्टिक कर्व जब बनाना है तकरीबन हॉरिजॉन्टल। अब ये इलास्टिक कर्व बनाने जा रहे हैं हम, ठीक है? यानी थोड़ा सा और इलास्टिक कर दो इसको, थोड़ा सा और इलास्टिक, थोड़ा सा और इलास्टिक, थोड़ा सा और, ठीक है? जितना जितना हॉरिजॉन्टल करते जाएंगे उतना ज्यादा इलास्टिक होता जाएगा। ये ले, नहीं नहीं ये भी ज्यादा हो गया,
कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से हाथ साफ होता है, हाथ की सफाई है बस, और कुछ नहीं है। ये ठीक, हाँ बस ये ठीक है। अब देखिए साबित भी तो करना है ना, एक पॉइंट यहां लिया, एक पॉइंट यहां लिया, ये क्वांटिटी ये प्राइस, दूसरा पॉइंट यहां, ये क्वांटिटी ये प्राइस। अब देखिए डायग्राम खुद अपने मुंह से बोल रही है, क्या बोल रही है डायग्राम, के चेंज इन प्राइस कम है, चेंज इन क्वांटिटी ज्यादा है। हाँ खुद कह रही है, चीख चीख के कह रही है, मैं इलास्टिक हूं, मैं इलास्टिक हूं, ये चीख चीख के कह रही है, इन इलास्टिक हूं, इन इलास्टिक, ये चीख चीख के कह रही है क्या, मैं यूनिट इलास्टिक हूं, यूनिट इलास्टिक हूं। देखिए डायग्राम सर नाप ले, क्या कह रहे हैं भाई, ये देखे इस डायग्राम की आवाज सुनने के लिए इकोनॉमिस्ट के कान चाहिए। चलिए तो फिर मुझे बताइए आप, क्या डेफिनेशन है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बताइए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की कितने टाइप्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं, इन इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। तो बताइए परफेक्टली इन इलास्टिक में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी, जीरो। इन इलास्टिक में, यूनिट इलास्टिक में, इलास्टिक में, परफेक्टली इलास्टिक में। अब इन अब आप अभी बनाइए डायग्राम, एक बनाइए इन इलास्टिक सप्लाई कर्व की और एक बनाइए इलास्टिक सप्लाई कर्व की, अभी फौरन बनाइए, मैं चेक करता हूं। आपके पास खुला टाइम है 3 मिनट, तसल्ली से बनाए, और कितने चाहिए आपको। और जिस तरह आपने मेरे से करेक्शन करवाई है ना, उसी तरह आपने भी करेक्ट डायग्राम बनाने हैं। मैंने आपको पहले बताया जितना परफेक्शन लेवल मेरे से एक्सपेक्ट करेंगे उतना ही परफेक्शन लेवल मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा। इन इलास्टिक और इलास्टिक, भाई लेवलिंग तो कर रहे हैं यार, खुदा का खौफ करो। ये कर्व क्या, कौन सा डिमांड कर्व है कि सप्लाई कर्व है, ये तो लिख दो। वो तो मैंने कहना था जी जी बिल्कुल। देखें आपने एरो अगर नहीं बनाए ना तो फिर क्लियर नहीं हो सकेगा कि आपका जो चेंज इन क्वांटिटी ज्यादा है कि चेंज इन प्राइस ज्यादा है। परसेंट, ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी और परसेंटेज चेंज इन प्राइस शो करवाने के लिए कि कौन ये इक्वल है या कौन सी चीज कम है कौन सी चीज ज्यादा, एरोस की डायरेक्शन जरूर बताएं। नहीं सिर्फ मैंने आपसे दो पे कहा, ये एरो एरो जो है वो याद रखें, जब हम शो करवा रहे होंगे तो आपको पता है कि हमारा परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक, इस पे हम एरोज नहीं बनाते, इस पे हम चेंज को शो नहीं करवा सकते, हम चेंज शो करवाते हैं इन इलास्टिक में, यूनिट इलास्टिक में और इलास्टिक में। जी कर लिया, दिखाइए जल्दी दिखाइए, ट्रांसफर कीजिएगा। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, बेहतरीन, शाबाश। चेंज इन प्राइस इन इलास्टिक, करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। ठीक है, यानी आपको ड्रॉ करने आगे डायग्राम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए ये टाइप्स हमने सीख ली, अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलें या रीडिंग टाइम जा रहे हैं इसका, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलें। कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, अगर आपने हाँ बिल्कुल रिपीट हुआ है, और हमने यहाँ पे एडिशनली एक चीज का ध्यान रखा कि जब इन इलास्टिक सप्लाई कर्व ड्रॉ करना है तो एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है, इलास्टिक करना है तो वाई एक्सिस से, बस
बाकी वही कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थे। नेक्स्ट कंसेप्ट, आपको याद होगा जब हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट कवर किया था तो उसके बाद ये पढ़ा था कि भाई किसी चीज की तो डिमांड इलास्टिक है, किसी की इनइलास्टिक, किसी की ज्यादा इलास्टिक है, किसी की कम इलास्टिक है, तो ये कैसे मुमकिन होता है। तो इसका आंसर हमें ये मिला कि कुछ चीजों की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फीचर्स होती हैं, जिन चीजों में वो करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ज्यादा मौजूद हो वो इलास्टिक होती हैं, जिनमें कम मौजूद हो वो इनइलास्टिक होती है। तो जिस तरह हमने कंसेप्ट पढ़ा डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड की इलास्टिसिटी को इफेक्ट करते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। और फिर जिस तरह मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बताया था, फिर यहां पे दोबारा बता रहा हूं आपको ताकि आप मिक्स ना करें कंसेप्ट। हमारे एक डिटर्मिनेंट्स है डिमांड के, एक है सप्लाई के, एक है डिटर्मिनेंट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, एक है डिटर्मिनेंट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के, आपने इनको मिक्स नहीं करना। ये ना डिटर्मिनेंट पूछे वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, हम डिमांड के डिटर्मिनेंट्स बनाए बताए उसको, ऐसे हमने नहीं करना। ध्यान से पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देख लेना है कि डिटर्मिनेंट्स किस चीज के पूछ रहा है, डिमांड के या सप्लाई के, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना। वरना जल्दी जल्दी में अगर आपने कोई एक आधा लफ्ज जो है वो गलत इंटरप्रेट कर लिया, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा जी। तो वो कह रहा है कि जी क्या डिटर्मिनेंट्स है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के, ये डिटर्मिनेंट्स आपके सामने है, कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमने हेडिंग्स याद करनी होंगी और कंसेप्ट समझना है बस। अब मेरा काम कंसेप्ट समझाना है आपको, हेडिंग्स आपने खुद याद करनी है। लेकिन यहां पर जहन में रखिएगा, अब हम जितनी भी एक्सप्लेनेशन करेंगे वो सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं पढ़ा। तो हमने कहा बताओ कैसे, क्यों ऐसे होता है कि कुछ गुड्स कुछ ऐसी होती है जिनकी सप्लाई इलास्टिक है, कुछ ऐसी होती है जिनकी सप्लाई इनइलास्टिक है। मतलब प्राइस बढ़ने से कुछ चीजों की सप्लाई तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है लेकिन कुछ चीजों की सप्लाई पर फर्क नहीं पड़ता। तो उसने कहा अच्छा सुन लो, सबसे पहला डिटर्मिनेंट टाइम पीरियड टू रिस्पॉन्ड। उसने कहा अगर किसी भी चीज की प्राइस बढ़ती है तो उसकी सप्लाई बढ़ाने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। अगर तो आप इमीजिएटली देखेंगे तो मार्केट में इमीजिएटली सप्लाई नहीं बढ़ती, जबकि अगर प्राइस बढ़े तो कुछ सप्लाई बढ़ाने में थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए शॉर्ट रन में याद रखिएगा, शॉर्ट रन में हमेशा चीजों की सप्लाई क्या होगी इनइलास्टिक, और लॉन्ग रन में चीजों की सप्लाई क्या होगी इलास्टिक। ये कंसेप्ट एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हमने डिमांड में पढ़ा था, डिमांड में भी यही पढ़ा था, शॉर्ट रन में डिमांड क्या है इनइलास्टिक और लॉन्ग रन में इलास्टिक, एग्जैक्टली वही कंसेप्ट यहां पे है। शॉर्ट रन में सप्लाई क्या है इनइलास्टिक और लॉन्ग रन में इलास्टिक। अब खुद सोचिए मार्केट में प्राइस बढ़ी है, क्या सारे लोग जो है वो अगले ही घंटे में अगले ही दिन सप्लाई बढ़ा देंगे? भाई चीज को मैन्युफैक्चर करने में मार्केट में लाने में टाइम तो लगेगा ना, ठीक है। अगर आज ही किसी चीज की प्राइस बढ़ जाती है तो क्या उसकी आज ही सप्लाई बढ़ जाएगी? नहीं नहीं, दो चार आठ दस दिन लगेंगे। अगर वो चीज ज्यादा टाइम लेती है प्रोडक्शन प्रोड्यूस होने में तो फिर ज्यादा टाइम लगेगा सप्लाई बढ़ने में। तो इसका मतलब है अगर किसी शॉर्ट रन में इमीजिएटली मार्केट में किसी चीज की प्राइस बढ़े इमीजिएटली उसकी सप्लाई क्या होगी इनइलास्टिक, शॉर्ट रन में इनइलास्टिक और लॉन्ग रन में इलास्टिक। और अगर मैं आपसे कहूं एक उसने पता नहीं क्यों एक कंसेप्ट और इंट्रोड्यूस कर दिया, एक तो शॉर्ट रन, एक उसने कहा वेरी शॉर्ट रन मोमेंट्री पीरियड विद इन सेकेंड्स। अगर एक चीज की प्राइस बढ़े तो हम अगर विद इन सेकेंड विद इन मिनट्स एनालिसिस कर रहे हो तो क्या विद इन मिनट्स उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी? वो तो हमने कहा बहुत ही ज्यादा ही, वो तो परफेक्टली इनइलास्टिक होगी, वो तो परफेक्टली इनइलास्टिक होगी। तो अगर लॉन्ग रन हो किसी चीज की प्राइस बढ़े, लॉन्ग रन में उसकी सप्लाई क्या है? लॉन्ग रन में तो बढ़ेगी, शॉर्ट रन में नहीं इंक्रीज हो सकेगी सप्लाई, इनइलास्टिक होगी। और मोमेंट्री पीरियड में
परफेक्टली इनलास्टिक। मोमेंटम पीरियड को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देते हैं, कंसेप्ट के ऊपर फोकस कीजिए। अगर शॉर्ट रन एनालिसिस करें, क्या शॉर्ट रन में चीजों की सप्लाई क्या होगी और लॉन्ग रन में? क्योंकि इमीडिएटली मार्केट में सप्लाई बढ़ाना मुश्किल होता है। फिर इसके बाद नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं पेरिशेबल, कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं पेरिशेबल और कुछ होती हैं ड्यूरेबल। ये पेरिशेबल गुड्स कौन सी होती हैं? जो जल्दी खराब हो जाती हैं। ड्यूरेबल कौन सी होती है? जो देर से खराब होती हैं। पेरिशेबल गुड्स की एग्जांपल क्या है? हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जितनी भी है पेरिशेबल है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। ड्यूरेबल गुड्स की क्या एग्जाम्पल है? हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ड्यूरेबल है। अब मुझे ये बताइए कि पेरिशेबल गुड्स की अगर प्राइस बढ़ जाए, क्या मार्केट में इसकी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है इसकी प्राइस बढ़ने या कम होने की वजह से? नहीं किया जा सकता। ड्यूरेबल गुड्स की सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्ज कीजिए अगर हम एसी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एयर कंडीशन, और मार्केट में एसी की प्राइस कम हो गई, तो हम मैन्युफैक्चरर हम क्या करेंगे? हम कहेंगे यार ऐसा करते हैं, इसको स्टोर कर लेते हैं, इस सीजन में प्राइस कम है, अगले सीजन में प्राइस बढ़ेगी तब बेच देंगे। क्या हम एसी को स्टोर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मतलब है हमने सप्लाई को कंट्रोल कर लिया, इसकी सप्लाई क्या हो गई? ड्यूरेबल गुड्स की, इलास्टिक। यानी अगर प्राइस कम हुई, हमने सप्लाई कम कर दी, जब प्राइस बढ़ेगी हम सप्लाई बढ़ा देंगे। तो अगर प्राइस कम होने से सप्लाई कम की जा सके, प्राइस बढ़ाने से प्राइस बढ़े तो सप्लाई ज्यादा की जा सके, इसे क्या कहते हैं? इलास्टिक या इनइलास्टिक? इलास्टिक। लेकिन मुझे बताइए अगर पेरिशेबल गुड्स हो, उनकी मार्केट में प्राइस कम है, क्या उनकी सप्लाई कम की जा सकती है? नहीं की जा सकती। आप देखते होंगे रेडी वाले जो होते हैं वो सारा दिन बेचते रहते हैं, शाम को उनकी कोशिश होती है चाहे प्राइस कम करके, जो भी उनके टमाटर वगैरह जो दूसरे सब्जी है, प्राइस कम करके भी बेच के जाना पड़े, वो बेच के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये अब चीज एक दो दिन के बाद खराब हो जाएगी। इसीलिए पेरिशेबल गुड्स जो हैं, इनकी सप्लाई को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, स्टिक होती है। इसी तरह फर्ज कीजिए पेरिशेबल गुड्स में, अगर पेरिशेबल गुड्स जो हैं, अब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होती है आपको पता है इनको प्रोड्यूस होने में टाइम लगता है, वो फसल जो तैयार होती है वो बाजू का 3 महीने 4 महीने 5 6 महीने भी लगते हैं उस पर। अगर मार्केट में फर्ज कीजिए आज टमाटर की प्राइस डबल हो गई है, तो बताइए क्या इमीजिएटली उसकी सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। उसको तो टाइम लगेगा, 2 3 4 5 जितने भी वो टाइम लेती है उसकी प्रोडक्शन। तो इसका मतलब यह हुआ कि पेरिशेबल गुड्स की सप्लाई को हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, सप्लाई उतनी ही रहेगी चाहे प्राइस कम हो चाहे ज्यादा हो। लेकिन ड्यूरेबल गुड्स के केस में हम सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर प्राइस कम है मार्केट में सप्लाई कम करेंगे, अगर प्राइस ज्यादा है तो हम मार्केट में सप्लाई ज्यादा करेंगे। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? ड्यूरेबल गुड्स की सप्लाई क्या हुई? इलास्टिक, और पेरिशेबल गुड्स की इन इलास्टिक। ये कंसेप्ट खास तौर पे ध्यान में रखिएगा। ये तकरीबन सारे कंसेप्ट जो हैं वो आगे चल के फ्यूचर के टॉपिक्स में यूज होने हैं। खास तौर पे जिनके साथ मैं स्टैटिक मार्क कर रहा हूं इनको जरूर अच्छे तरीके से समझना है आपने। तो ये पेरिशेबल गुड ड्यूरेबल गुड का कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं अवेलेबिलिटी एंड मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको पता है क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। यानी कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट यह है फैक्टर प्रोडक्शन वो चीजें हैं जिनसे मिलके हम दूसरी चीजें बनाते हैं। ठीक है, दुनिया में जो भी चीज प्रोड्यूस हो रही है फैक्टर प्रोडक्शन के कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस हो रही है। तो वो कह रहे हैं बताइए अगर अगर किसी जगह पे फैक्टर प्रोडक्शन अवेलेबल है, किसी प्रोडक्ट के फैक्टर प्रोडक्शन अवेलेबल है, या मोबिलिटी है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किए जा सकते हैं, तो उस चीज की सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा? इलास्टिक हो जाएगी। और अगर अवेलेबिलिटी या मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है तो सप्लाई क्या होगी? इनइलास्टिक हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल फर्ज कीजिए हम पेप्सी की कंपनी में बैठे हैं, अब उसमें एक प्लांट में हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो पेप्सी बना रहे हैं और दूसरे प्लांट में लेस बना रहे हैं। अब
अगर तो ले, अब दोनों के लिए रेलिवेंट स्किल्स लगा रहता है फर्ज कीजिए, और जो स्किल चाहिए वो सिर्फ उन्हीं लोग, ट्रेनिंग चाहिए उन चीज़ों को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मार्केट में और लोगों के पास ट्रेनिंग नहीं है। अब बताइए, और लेबर भी उतनी है, हम लेज की लेबर को शिफ्ट करके पेप्सी में नहीं लेके जा सकते, पेप्सी की लेबर को शिफ्ट करके लेज में नहीं ला सकते, क्योंकि दोनों का प्रोडक्शन प्रोसेस डिफरेंट है और एम्प्लॉयज को उनकी रेलिवेंट ट्रेनिंग दी गई है बस। अब अगर लेज की प्राइस बढ़ती है, बताइए क्या हम लेज की सप्लाई को बढ़ा सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि ना तो अवेलेबिलिटी है फैक्टरों पर, ना तो मार्केट में नया वर्कर मौजूद है, और ना ही मोबिलिटी है, यानी हम पेप्सी वालों को भी लेज में शिफ्ट नहीं कर सकते। तो यहां पे अब इनकी सप्लाई क्या होगी? इनइलास्टिक। और अगर अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन भी है, मोबिलिटी भी है, तो इसका मतलब है हम जरूरत के वक्त अगर प्राइस बढ़ती है तो ज्यादा फैक्टर प्रोडक्शन को इंगेज करके अपनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। तो यहां पे इसका मतलब है अगर अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन है, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन है, तो फिर हमारी सप्लाई क्या होगी? और अगर अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन नहीं है या मोबिलिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन नहीं है, इनइलास्टिक होगी। भाई कुछ बात समझ आती है इसकी? चलिए आगे चलते हैं, ये भी हो गया। नेक्स्ट, स्पेयर कैपेसिटी बहुत अहम, मैक्रो इकोनॉमिक्स में फ्रीक्वेंटली यूज होगा। पहले सुन लीजिए, स्पेयर कैपेसिटी कहते किसको है? स्पेयर कैपेसिटी, और एक इसका अपोजिट है फुल कैपेसिटी। फर्ज कीजिए एक फोटोकॉपी की मशीन है कॉलेज में, वो एक दिन में 10,000 फोटोकॉपीज बना जनरेट कर सकते हैं, तो उसकी जो 10,000 है ये उसकी फुल कैपेसिटी कहलाती है। अगर करंटली वो 8,000 कॉपीज प्रोड्यूस कर रही है, तो जो 8,000 यूनिट है ये इसकी एक्चुअल कैपेसिटी कहलाती है। एक किसी भी मशीनरी की एक फुल कैपेसिटी होती है, जैसे 10,000 की एग्जाम्पल दी, एक होती है एक्चुअल कैपेसिटी, जैसे 8,000 की एग्जाम्पल दी। एक जो रिमेनिंग 2,000 का शॉर्टफॉल है, इसे कहते हैं स्पेयर कैपेसिटी। ठीक है, ये तीन लफ्ज जहन में रखिएगा, ये लिख लें, आगे चल के फिर यूज करने हैं हमने। फुल कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी, स्पेयर कैपेसिटी। ठीक है, वो चाहे आप ये छोटी सी डायग्राम भी बना ले साथ, सिर्फ समझने के लिए कि ये है फुल कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी, ये है एक्चुअल कैपेसिटी, और ये क्या है? स्पेयर कैपेसिटी। ठीक है, अब कंसेप्ट क्या है? अगर तो आपके पास आपकी मशीनरी में स्पेयर कैपेसिटी है, तो मार्केट में प्राइस बढ़ने से सप्लाई को आप क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, मार्केट में प्राइस बढ़ी, क्या आप सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो कंसेप्ट क्या बना हमारा? अगर स्पेयर कैपेसिटी है तो फिर सप्लाई क्या होगी? इलास्टिक। और अगर स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, जिसे बाजुकात वो कहता है कि मशीनरी इज ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी, स्पेयर कैपेसिटी ना होने का दूसरा मतलब क्या है? मशीनरी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है। अगर स्पेयर कैपेसिटी नहीं है तो फिर सप्लाई क्या होगी? यानी अगर कोई भी कंपनी, कोई भी मशीनरी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है, तो फिर सप्लाई इंक्रीज नहीं की जा सकती, इनइलास्टिक। और अगर स्पेयर कैपेसिटी है तो फिर सप्लाई इंक्रीज की जा सकती है, तो स्पेयर कैपेसिटी की सूरत में सप्लाई क्या होगी? इलास्टिक। ये कंसेप्ट क्लियर हो? इसको भी गौर से आपने समझ लेना, याद करना, ये आगे फ्रीक्वेंटली मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज होगी कंसेप्ट। फिर प्रोडक्शन टाइम, कहते हैं कुछ चीजें प्रोड्यूस होने में थोड़ा टाइम लेती हैं, सुबह ऑर्डर मिले शाम तक आप प्रोड्यूस कर लेते हैं। कुछ चीजें प्रोड्यूस होने में 6-6 महीने का टाइम लेती हैं, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स।
ठीक है, ये कंसेप्ट कुछ कुछ मिलता जुलता है इससे, नेचर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन टाइम, अगर तो आपका प्रोडक्शन टाइम, आपकी प्रोडक्ट प्रोडक्शन टाइम ज्यादा लेती है, तो बताइए आज प्राइस इंक्रीज हुई, क्या आप उसकी सप्लाई बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। लेकिन अगर वो प्रोडक्शन टाइम शॉर्ट है, वो विद इन डेज चीज प्रोड्यूस हो जाती है, प्राइस बढ़ी, सप्लाई बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते। तो फिर हमारा कंसेप्ट क्या बना कि अगर प्रोडक्शन टाइम शॉर्ट है तो सप्लाई क्या होगी? इलास्टिक होगी। प्रोडक्शन टाइम कह रहा हूं, शॉर्ट रन लॉन्ग रन नहीं कह रहा, शॉर्ट रन लॉन्ग रन उधर एनालिसिस कर रहे हैं, यहां पे प्रोडक्शन टाइम कह रहा हूं। प्रोडक्शन टाइम हमें थोड़ा चाहिए, प्रोडक्शन टाइम मतलब जल्दी जल्दी चीजें प्रोड्यूस हो जाती है, विद इन आवर्स, विद इन डेज, तो फिर उनकी सप्लाई हम अपनी जरूरत के मुताबिक आसानी से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ऐसी गुड की सप्लाई क्या होगी? और अगर चीज ऐसी है कि उसे उसका मैन्युफैक्चरिंग पीरियड जो है वो बहुत ज्यादा है, 3 महीने 6 महीने है, तो फिर उसकी सप्लाई क्या होगी? इनइलास्टिक। नेक्स्ट कंसेप्ट, बैरियर्स टू एंट्री, ये भी बहुत अहम कंसेप्ट है, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज होगा, बल्कि ये माइक्रो चैप्टर 5 में भी यूज होगा। ये बैरियर्स टू एंट्री, बैरियर्स टू एंट्री का मतलब क्या है? किसी भी मार्केट में जो नए फर्म, नए सप्लायर हैं, वो आसानी के साथ आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? अगर तो इकोनॉमिक्स में दो कंसेप्ट है, जैसे मैंने आपको ये बताया ना, यहाँ पे स्पेयर कैपेसिटी और फुल कैपेसिटी वाला, यहाँ पे भी दो कंसेप्ट है, एक है फ्री एंट्री, एक है बैरियर्स टू एंट्री। फ्री एंट्री का मतलब क्या है कि मार्केट में नया सेलर आसानी से आ सकता है और पुराना आसानी से जा सकता है। बैरियर्स टू एंट्री का मतलब क्या है कि नया सेलर आसानी से नहीं आ सकता। मुख्तलिफ तरीके होते हैं उसको रोकने के, वो आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 में कि किन तरीकों से नए सेलर्स को आने से रोका जा सकता है। कहते हैं अगर तो मार्केट में बैरियर्स टू एंट्री है, इसका मतलब है क्या सप्लाई आसानी से इंक्रीज हो सकती है? भाई सप्लाई कैसे इंक्रीज होगी? नया बंदा आएगा, नई फैक्ट्री लगेगी, फिर सप्लाई इंक्रीज होगी ना। अगर आपने बैरियर्स टू एंट्री लगा दिए, नए सेलर को आने ही नहीं, नए प्रोड्यूसर को आने नहीं दे रहे, तो सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी। अगर बैरियर्स टू एंट्री हाई है बहुत ज्यादा है, तो फिर सप्लाई क्या होगी? इनइलास्टिक। और अगर बैरियर्स ऑफ एंट्री नहीं है या बहुत कम है, जिसे हम नाम देते हैं फ्री एंट्री का, तो इसका मतलब फ्री एंट्री का मतलब आप जब मर्जी आसानी के साथ मार्केट में आ सकते हैं, सप्लाई बढ़ सकती है। तो अगर बैरियर्स टू एंट्री नहीं है, सप्लाई क्या होगी? इलास्टिक। भाई कुछ समझ आया आपको इलास्टिक और इनइलास्टिक? चलिए क्विक सी रिवीजन करते हैं। हमने कंसेप्ट क्या भी सीखा कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, रीजंस हैं, जिन पे बेस करती है किसी भी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को डिसाइड करना हो इसकी सप्लाई क्या होगी, तो देखते हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर इनमें से कौन कौन से फैक्टर्स लगते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा फैक्टर इलास्टिसिटी वाले लगे, हम कहेंगे इसकी सप्लाई इलास्टिक है। अगर ज्यादा फैक्टर इन इलास्टिसिटी वाले, हम कहेंगे इसकी सप्लाई इनइलास्टिक है। तो फिर बताइए टाइम पीरियड टू रिस्पॉन्ड, ये कैसे इफेक्ट करता है? शॉर्ट रन है तो सप्लाई, लॉन्ग रन है तो इलास्टिक। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, पेरिशेबल गुड्स है तो, ड्यूरेबल गुड्स है तो सप्लाई इलास्टिक होगी। अवेलेबिलिटी एंड मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, और अगर है तो स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, स्पेयर कैपेसिटी है, प्रोडक्शन टाइम ज्यादा चाहिए, प्रोडक्शन टाइम कम है, प्रोडक्शन नहीं भैया ये दोबारा होगा, सारा दोबारा करें, सारा दोबारा कर, नहीं शॉर्ट रन है तो सप्लाई क्या होगी? लॉन्ग रन है तो पेरिशेबल, ड्यूरेबल, अवेलेबिलिटी एंड मोबिलिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन है, नहीं है तो स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, स्पेयर कैपेसिटी है, प्रोडक्शन टाइम लॉन्ग ज्यादा, प्रोडक्शन टाइम शॉर्ट, बैरियर्स टू एंट्री नहीं है, बैरियर्स टू एंट्री है। फिर से दोबारा आ गया।
हेडिंग याद करनी है, इसके आगे आप अपने अल्फाज में इजी इंग्लिश में लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है, रटा कोशिश करेंगे, लगाएंगे जरूर हम, लेकिन कम से कम लगे। चलिए आज के लिए इतना काफी है।